दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो आज हम दोस्त मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो न्यूमेरिकल हमारा है दोस्त, सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा, अ कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर मास इज 78 एंड इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH। तो फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि एक यौगिक के पास मॉलिक्यूलर मास 78 है और उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला CH है, तो पता लगाइए उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए दोस्त, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं और एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को एम्पिरिकल फॉर्मूला बोला जाता है। तो क्वेश्चन में दोस्त दिया गया है, तो हम लोग फुल HD में सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले गिवन लिखेंगे जो दिया गया है। तो क्वेश्चन में दोस्त मॉलिक्यूलर मास 78 दिया गया है, मॉलिक्यूलर मास बराबर 78। अब हम लोग को एम्पिरिकल फॉर्मूला CH दिया गया है, एम्पिरिकल फॉर्मूला बराबर CH। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया गया है दोस्त, तो अब हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, तो कार्बन का एटॉमिक मास 6 होता है तो 6 लिख दिए, कार्बन का एक एटम है तो गुना 1 लिख दिए, कार्बन से हाइड्रोजन के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, हाइड्रोजन का एक एटम है तो गुना 1 कर दिए, तो 6 में 1 जोड़ दिए तो हो गया। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है दोस्त, एटॉमिक मास 12 होता है तो यहाँ पर 12 लिख दिए, तो 12 में 1 जोड़ दिए तो हो गया 13। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला CH का एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 13 होता है। तो अब हम लोग दोस्त कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर का सिंबल होता है स्मॉल n, कॉमन फैक्टर का सिंबल हो गया दोस्त स्मॉल n, और कॉमन फैक्टर बराबर होता है
मॉलिक्यूलर मास बट्टा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो जब दिया गया मॉलिक्यूलर मास को भागा देते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से तब कॉमन फैक्टर प्राप्त होता है। तो मॉलिक्यूलर मास दोस्त हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया 78 और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 13 आया था, यहाँ पर 13 लिख दिए। और जब 78 को भागा दे दिए 13 से तब हम लोग के पास 6 वैल्यू आया था। तो हम लोग के पास दोस्त अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर एन गुना एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। तो हम लोग का दोस्त कॉमन फैक्टर 6 आया है तो 6 लिख दिए। और क्वेश्चन में एम्पिरिकल फॉर्मूला CH था तो CH लिख दिए। तो कार्बन को 6 से गुना किए तो C6 हो गया, हाइड्रोजन को 6 से गुना किए तो हाइड्रोजन भी 6 हो गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा C6H6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्त, अ कंपाउंड हैज वेपर डेंसिटी इज 45 and empirical formula is 2. तो फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्वेश्चन हमारा दोस्त कि एक कंपाउंड के पास वेपर डेंसिटी 45 है और एम्पिरिकल फॉर्मूला CHO2 है, तो ज्ञात कीजिए उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए दोस्त, वेपर के द्वारा लगाया गया डेंसिटी को वेपर डेंसिटी कहते हैं, जहां डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम होता है। तो क्वेश्चन में दोस्त हम लोग को दिया गया है कि वेपर डेंसिटी 45 है, वेपर डेंसिटी बराबर 45। तो हम लोग दोस्त सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, तो इसलिए मॉलिक्यूलर मास बराबर एन गुना वेपर डेंसिटी 2 गुना वेपर डेंसिटी।
तो जब वेपर डेंसिटी को 2 से गुणा कर देते हैं तब मॉलिक्यूलर मास प्राप्त होता है। तो 2 के जगह 2 लिख दिए, गुणा था तो गुणा का साइन दे दिए। वेपर डेंसिटी का वैल्यू 45 है तो 45 लिख दिए, और 45 को 2 से गुणा किए तो 90 आ गया। तो मॉलिक्यूलर मास दोस्त 90 हो गया। अब हम लोग के पास दोस्त इंपिरिकल फॉर्मूला CHO2 दिया गया है। तो क्वेश्चन में दोस्त गिवन दिया गया है, ई से दोस्त इंपिरिकल हो गया और एफ से फॉर्मूला हो गया। तो दिया गया इंपिरिकल फॉर्मूला CHO2 है। तो हम लोग दोस्त इंपिरिकल फॉर्मूला की मदद से इंपिरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे। इंपिरिकल फॉर्मूला मास बराबर, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है तो 12 लिख दिए। कार्बन से हाइड्रोजन के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 1 लिख दिए। हाइड्रोजन का 1 एटम है तो गुना 1 लिख देते तो 1 ही प्राप्त होता। हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है तो 16 लिख दिए। ऑक्सीजन का 2 एटम है तो गुना 2 लिख दिए, तो 12 + 1 + 32, 2, 3 और 2, 5 हो गया, 3 और 1, 4 हो गया। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 45 आ गया। हम लोग दोस्त कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो इसलिए कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर का सिंबल हो गया स्मॉल एन, और कॉमन फैक्टर बराबर हो गया दोस्त मॉलिक्यूलर मास पट्टा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास दोस्त हम लोग के पास 90 आया हुआ था और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 45 है तो 45 लिख दिए। तो जब 90 को डिवाइड किए 45 से तो 2 प्राप्त हुआ। अब हम लोग दोस्त मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। हम लोग के पास दोस्त ये है एक लॉलीपॉप फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर n × एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर हो गया दोस्त n × एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो n हमारा कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर का वैल्यू 2 है, यहां पर 2 लिख दिए। गुणा का साइन था तो गुणा लिख दिए। और देखिए दोस्त एम्पिरिकल फॉर्मूला के जगह पर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास लिख दिए, जो कितना है 45। यहां हो गया हमारा 45, और 45 को 2 से सॉरी एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा CHO2 है, तो यहां लिख दिए CHO2। कार्बन को 2 से गुना किए तो C2 प्राप्त हुआ। हाइड्रोजन को 2 से गुना किए तो H2 प्राप्त हुआ। और ऑक्सीजन का एटम 2 है तो 2 से गुना किए तो O4 प्राप्त हुआ। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोस्त हमारा C2H2O4 हो गया।
क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा दोस्त, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज क्वेश्चन नंबर ए हमारा दोस्त CH3CHO क्वेश्चन नंबर बी है हमारा दोस्त CH3COOH और क्वेश्चन नंबर सी है हमारा CH3OH और क्वेश्चन नंबर डी है हमारा दोस्त C2H6। तो हम लोग को एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है। तो देखिए जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं, पूर्ण संख्या के सरल अनुपात को हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। सबसे पहले दोस्त हम लोग ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखेंगे। क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि ग्लूकोज के एम्पिरिकल फॉर्मूला जैसा सेम कंपाउंड निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहां पर कॉमन फैक्टर 6 निकल गया, तो 6 निकल गया तो 6 को 6 से भागा दिए तो एक कार्बन बचा, 12 को 6 से भागा दिए तो हाइड्रोजन 2 बचा, ऑक्सीजन का 6 एटम है तो 6 से भागा दिए तो यहां पर ऑक्सीजन का एक एटम बचा, तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O आ गया। इन चारों कंपाउंड में किसका एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O है, तो हम लोग दोस्त एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। तो यहां पर देखिए दोस्त सबसे पहले इन सभी का कंडेंस फॉर्मूला लिखेंगे। तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O हो गया। तो देखिए दोस्त कार्बन का एटम 2 है तो इसी कंपाउंड को लिख सकते हैं C2, हाइड्रोजन 3 और 1 4 है, 4 हाइड्रोजन लिख दिए, ऑक्सीजन का एक एटम है तो यहां पर एक ऑक्सीजन लिख दिए और ये हो गया हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। कार्बन का एटम 2 है तो 2 लिख दिए, हाइड्रोजन 3 और 1 4 है तो 4 हाइड्रोजन लिख दिए, ऑक्सीजन का 2 एटम है तो O2 लिख दिए। अब हम दोस्त कंडेंस फॉर्मूला लिख रहे हैं, कार्बन का 1 एटम है तो 1 लिख दिए, हाइड्रोजन का 3 और 1 4 एटम है तो 4 हाइड्रोजन लिख दिए, एक ऑक्सीजन था तो एक ऑक्सीजन लिख दिए। यहां पर C2H6 है, ये ऑलरेडी दोस्त कंडेंस फॉर्मूला है, तो C2H4O में कॉमन फैक्टर 1 निकल रहा है इसलिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों सेम होगा। तो एसिटाल्डिहाइड का एम्पिरिकल फॉर्मूला C2H4O हो गया। CH3COOH को एसिटिक एसिड बोलते हैं और CH3OH को मिथाइल अल्कोहल और C2H6 को इथेन बोलते हैं। अब देखिए दोस्त यहां पर कॉमन फैक्टर 2 निकालेंगे, तो एसिटिक एसिड का कॉमन फैक्टर 2 निकालें तो 2 को 2 से भागा दिए तो 1 बचा, हाइड्रोजन का एटम 4 है 2 से भागा दिए तो 2 हाइड्रोजन बचा, ऑक्सीजन का 2 एटम है 2 से भागा दिए तो 1 ऑक्सीजन बचा। तो एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O हो गया। अब आता है मिथाइल अल्कोहल, तो यहां पर कॉमन फैक्टर 1 निकल गया,
तो जो मिथाइल एल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगी CH4O। C2H6 हमारा इथेन है दोस्त, तो इथेन का कॉमन फैक्टर दो निकलता है, तो कार्बन दो को दो से भाग दिए तो एक कार्बन बचा, हाइड्रोजन के छह एटम को दो से भाग दिए तो हाइड्रोजन का तीन एटम बचा, तो या इथेन का इम्पिरिकल फॉर्मूला CH3O होता है। तो इन चारों कंपाउंड में से ग्लूकोज का इम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O के जैसा हमारा दोस्त एसिटिक एसिड है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा एसिटिक एसिड सही है, क्योंकि एसिटिक एसिड का इम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O है और ग्लूकोज का इम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O है, तो दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। तो इस तरह हमारे दोस्त मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर बेस न्यूमेरिकल खत्म हुआ। तो दोस्त काश दो दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इश्क में, तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना।